नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं ममता पांडा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जामिनी हेल्थ एकेडमी में। दोस्तों, हेल्थ इज द रियल वेल्थ, हेल्थ इज हैप्पीनेस। हेल्थ वेल्थ जैसा है, जब तक खो नहीं देते तब तक उसकी असली कीमत समझ में नहीं आता। हेल्थ को सही रखने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। नंबर वन, डाइट, जो 90% भूमिका निभाता है हेल्थ के लिए। नंबर टू, एक्सरसाइज, जो 10% भूमिका निभाता है हेल्थ के लिए। एक्सरसाइज तो आप कर लेते हैं, लेकिन डाइट को ठीक रखने के लिए बैलेंस फूड खाना पड़ता है। भारतवर्ष में ज्यादातर खाना ऑयल से बनता है, और हेल्थ को ठीक रखने के लिए ऑयल खाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को रोजाना 25 से 50 ग्राम तक फैट की जरूरत है। आप फिजिकल वर्क करें या ना करें, आपको पर डे 25 ग्राम तक फैट की जरूरत है, क्योंकि आपकी दिमाग 60% फैट के द्वारा तैयार हुआ है। इसके अलावा फैट आपके शरीर में और भी बहुत सारी भूमिका निभाता है, जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी देना, सेल ग्रोथ होने में सपोर्ट करना, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, आपकी बॉडी को गर्म रखना, कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी उसका भूमिका है। फैट कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए आपके शरीर को भोजन देने के लिए डेफिनेटली फैट की जरूरत है। फैट ऑयल सॉल्युबल होता है, इसीलिए ऑयल के माध्यम से ही फैट लेना चाहिए। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, ऑयल शरीर के लिए इतना जरूरत है तो ऑयल खाने से शरीर में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है। मन में ऐसा विचार आता है, जैसे हम लोग बिना तेल की खाना पका के खा पाते तो बहुत अच्छा होता। मन में ऐसा विचार आने का एक छोटा सा कारण है, आप सही ऑयल चुन नहीं पाते, फंस जाते हैं चमकता हुआ एडवर्टाइज में, या सस्ता ऑयल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जिसका मूल्य चुकाना पड़ता है लाखों रुपया खर्चा करके हॉस्पिटल में। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा फैट कितना प्रकार होता है, हर तरह की फैट का काम क्या है, आपके तेल में इसका नॉर्मल लेवल क्या है, ऐसा कौन सा तेल है जिसमें सारी फैट आपको संतुलित मात्रा में मिलेगा। अंत में आपको जानकारी मिलेगा भारतवर्ष में ऐसा कौन सा तेल है जिसकी गुणवत्ता के लिए बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, कि स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की हेल्थ की सवाल है। सारे तेल और घी में तीन तरह की फैटी एसिड होता है। नंबर वन, सैचुरेटेड फैटी एसिड या साफा। नंबर टू, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या पुफा। नंबर थ्री, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मुफा। ये तीन प्रकार फैट हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को इम्पैक्ट करता है अलग अलग तरीका से। सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में जितना गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, उससे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जिस तेल और घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा मिनिमम लेवल से ज्यादा रहता है, उस ऑयल और घी को खाने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, आपकी हार्ट अटैक होने का संभावना बढ़ जाता है। लेकिन प्रश्न ये है, आप कैसे जानेंगे कौन सा ऑयल और घी में इसका मात्रा ज्यादा है और इसका मिनिमम लेवल क्या है। जिस तेल में सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा रहता है, वो तेल साधारण तापमान में जम जाता है, जैसे देसी घी, बटर, वनस्पति ऑयल और पाम ऑयल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NIN के अनुसार किसी भी ऑयल में इसका नॉर्मल लेवल है 27% से 33% तक। ये सब तेल को आप कैंसिल कर सकते हैं। आप जानते हैं उच्च फूफा वाला तेल, उच्च फूफा वाला तेल आप ज्यादा खाएंगे तो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कम हो जाएगा। उच्च फूफा वाला तेल सामान्य तापमान में तरल रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NIN के अनुसार किसी भी ऑयल में इसका नॉर्मल लेवल है 27% से 33% तक। जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सब तेल में पुफा उच्च मात्रा में पाया जाता है। ये सब तेल खाने से आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाता है और हार्ट अटैक की खतरा बढ़ जाता है। उच्च पुफा वाला तेल खाने से और भी एक जॉइंट पेन जैसा बीमारी आपको गिफ्ट में मिलता है। इसीलिए दोस्तों, ये सब तेल आपकी खाने की लायक नहीं है। आप जानते हैं उच्च मुफा वाला तेल, मुफा आपकी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन
गुड कोलेस्ट्रॉल को कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। उच्च मुफा वाला तेल साधारण तापमान में तरल रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NIN के अनुसार किसी भी तेल में इसका नॉर्मल लेवल है 33% से 40% तक। उच्च मुफा 3 तरह के तेल में पाया जाता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल। ये 3 तरह की तेल यूज करने से पहले उसका अंदर जो घातक पदार्थ है उसके बारे में जान ले। सरसों की तेल, सरसों की तेल में एक घातक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है यूरिसिक एसिड। विदेशों में सरसों की तेल एक्सटर्नल यूज किया जाता है, अर्थात मालिश या बालों में लगाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको खाने के लिए बेचा नहीं जाता है क्योंकि विदेशों में कानून बना हुआ है जिस तेल में 5% से ज्यादा यूरिसिक एसिड है वो तेल खाने के लायक नहीं है। लेकिन आप सोचिए, भारतवर्ष की सरसों की तेल में 35% से 55% तक यूरिसिक एसिड है और हम लोग भरपूर मात्रा में सरसों की तेल खा रहे हैं। और एक बात, जितना प्योर सरसों की तेल होगा उतना ही ज्यादा यूरिसिक एसिड होगा। यूरिसिक एसिड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाने से क्रिस्टल फॉर्म में आपके जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है और गाउट जैसा पेनफुल बीमारी होता है। यूरिसिक एसिड आपकी किडनी में डिपॉजिट होके किडनी स्टोन पैदा करता है। यूरिसिक एसिड आपकी बोन टिश्यू एंड जॉइंट को डैमेज करता है, आपकी हार्ट फेलियर का भी कारण बन सकता है। आप ही बोलिए, जिस यूरिसिक एसिड का इतना सारी बैड इफेक्ट है और ये घातक केमिकल जो सरसों के तेल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो उस तेल को क्या खाना चाहिए? इसलिए दोस्तों, सरसों के तेल को खाने से कैंसिल कर सकते हैं। एक बात बहुत बार सुनने को मिलता है, पुराने जमाने से सरसों के तेल यूज होते आ रहा है, लेकिन उस टाइम ये सब बीमारी नहीं हुआ था। इस बात पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जमाना बदल गया लेकिन आप बात को बदले नहीं। आज के जमाना में पानी भी शुद्ध नहीं मिलता है, इतनी दूषित परिवेश में आपकी बॉडी ऑर्गन की इतना ताकत नहीं है जो आपकी शरीर से ज्यादा टॉक्सिन मटेरियल्स को बाहर निकाल सके। इसलिए दोस्तों, जमाना की प्रश्न ला के शरीर को अस्वस्थ ना करे, आगे आपकी मर्जी। आप जानते हैं दूसरा उच्च मुफा वाला तेल कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल सरसों का ही तेल है। कनाडा की साइंटिस्ट रेपसीड को लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीका से क्रॉस ब्रीडिंग करके उगाया ऑयल सीड क्रॉप, उससे जो तेल निकलता है वो है कैनोला ऑयल। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोसेस को अपना के यूरिसिक एसिड को कम कर दिया। कनाडा में कैनोला ऑयल की बोतल पर लिख के बेचा जाता है नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर, अर्थात कैनोला ऑयल को गर्म नहीं करना है क्योंकि कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा परिमाण रहता है। ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव है, ओमेगा 3 को गर्म करने से जहरीला पदार्थ पैदा करता है, लेकिन भारत में भोले वाला कंज्यूमर को ये पता नहीं है, इसीलिए कैनोला ऑयल को खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। कैनोला ऑयल को खाने से आप कैंसिल कर सकते हैं। आप जानते हैं तीसरा उच्च मुफा वाला तेल ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा तेल है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो यूरोप के लोग सैलेड पर छिड़क कर कच्चा खाते हैं। इसका स्मोक पॉइंट बहुत लो है, इसलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को गर्म नहीं किया जाता है। लेकिन भारत की कंपनी को पता है इंडियन कंज्यूमर तेल को खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए भारत की कंपनी ऑलिव ऑयल को रिफाइन एंड केमिकल प्रोसेसिंग करके एक नया वेराइटी निकाली जिसका नाम दिया रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा है, आप इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, इस तेल का कोई स्वाद भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, ज्यादा पैसा खर्चा करके इस तेल को खाने की कोई मतलब नहीं है, आप इस तेल को भी खाने से कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जितना प्रकार तेल के बारे में आपको जानकारी मिला उनमें से किसी भी तेल में साफा, पुफा, मुफा ये तीनों फैटी एसिड संतुलित मात्रा में नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NIN के अनुसार हमारे शरीर के लिए ये तीनों फैट संतुलित मात्रा में रहना चाहिए। लेकिन कौन सा तेल कुकिंग में इस्तेमाल करें जिसमें साफा, पुफा, मुफा तीन तरह की फैट संतुलित मात्रा में है? राइस ब्रान ऑयल,
चावल की भूसी से बना हुआ तेल जिसमें साफा पुफा मुफा संतुलित मात्रा में है। इसके अलावा राइस ब्रैन ऑयल में 3 एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेरॉल, ट्रोकोट्राइनल और आइजोनॉल। 3 एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे शरीर में। आइए शॉर्ट में जानते हैं हमारे शरीर में ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैटरैक्ट को प्रिवेंट करता है, बढ़ती उम्र की प्रभाव को कम करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है। टोकोट्राइनल कैंसर सेल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। टोकोट्राइनल एंटी एजिंग है। आइजोनॉल ये एक इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मेनोपॉजल सिम्टम्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है। प्राकृतिक रूप से इतना गुणवत्तापूर्ण एंटीऑक्सीडेंट इस तेल में पाया जाता है। राइस ब्रैन ऑयल की कलर गोल्डन होता है, ये इस तेल का ओरिजिनल कलर है। जिस राइस ब्रैन ऑयल फिजिकल रिफाइनिंग होता है उसकी कलर गोल्डन होता है, जिस ऑयल केमिकल रिफाइन होता है उसकी कलर साफ होता है, मतलब उसमें घातक केमिकल डाल के रिफाइन किया जाता है। लेकिन प्रश्न ये है, बाजार में बहुत सारी कंपनी का राइस ब्रैन ऑयल है, कौन सा यूज करना चाहिए? राइस ब्रैन ऑयल खरीदने का टाइम आपको कुछ गोल्डन पॉइंट का ऊपर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, तेल की पैकेट में लिखा रहना चाहिए फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल। नंबर 2, ओराइजोनल की मात्रा तेल में जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। नंबर 3, ऑयल की कलर गोल्डन होना चाहिए। नंबर 4, हु एंड NIN के अनुसार साफा पुफा मुफा संतुलित मात्रा में रहना चाहिए। नंबर 5, ऑयल एक्सपोर्ट क्वालिटी का होना चाहिए। नंबर 6, टीवी में एड देख के तेल मत खरीदे, जिसका जितना एड होता है उसका क्वालिटी उतना ही कम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना क्वालिटी रहने के बाद भी आपका पॉकेट परमिट करना चाहिए। ये कुछ गोल्डन पॉइंट है आप देख के राइस ब्रैन ऑयल खरीद सकते हैं। मैं कौन सा कंपनी की तेल यूज करती हूँ और क्यों करती हूँ? मैं यूज करती हूँ RCM हेल्थ गार्ड ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरे को इस प्रोडक्ट में कुछ खूबियाँ देखने को मिला, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप भी इसका भरपूर फायदा उठा सके। आइए जानते हैं मैं क्यों RCM हेल्थ गार्ड ऑयल यूज करती हूँ। RCM हेल्थ गार्ड ऑयल को बनाने वाला कंपनी है AP ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी, जिस कंपनी का फाउंडर डॉक्टर AR शर्मा, आप गूगल में सर्च करके उनका बारे में जान सकते हैं। इस कंपनी का ऑयल विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, मतलब इस कंपनी क्वालिटी का साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी से बनता है RCM हेल्थ गार्ड ऑयल। आइए जानते हैं ऐसा कौन सा सेफ्टी डिवाइस है AP ऑर्गेनिक के पास। राइस ब्रैन ऑयल तैयार करने का समय गर्म किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोसेस से, डायरेक्ट नहीं। 2 प्रोसेस है राइस ब्रैन ऑयल को गर्म करने का। नंबर 1, थर्मोसाइफन सिस्टम। नंबर 2, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। इंडिया में एक ही कंपनी है AP ऑर्गेनिक, जिसने थर्मोसाइफन सिस्टम को अपनाया, और जितना भी फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल बनाने वाला कंपनी है उन्होंने थर्मिक फ्लूइड सिस्टम को अपनाया। आइए एक वीडियो क्लिप के माध्यम से जान लेते हैं क्या है थर्मोसाइफन सिस्टम और क्या है थर्मिक फ्लूइड सिस्टम। राइस ब्रैन ऑयल को रिफाइन करते समय इसको 220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए तेल को एक बड़ी सी बेजल में से गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर पाइप से बना हुआ कॉइल का बंडल रहता है। इस कॉइल में गर्म मिनरल ऑयल घूमता रहता है, जिसे थर्मिक फ्लूइड कहता है, जो कि एक नॉन एडिबल हानिकारक पेट्रोलियम पदार्थ है। आप सोचिए, अगर कॉइल की किसी भी पाइप में छेद हो जाए या इसने की गई वेल्डिंग में लीकेज आ जाए, तो कॉइल में घूमने वाला मिनरल ऑयल रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल में मिक्स होकर उसे जहरीला बना सकता है। ऐसा ही हुआ 1968 में जापान में हुआ और 1979 में ताइवान में हुआ।
हजारों लोग मिनरल ऑयल मिक्स हुआ राइस ब्रैन ऑयल खा के बीमार पड़ी और कई लोगों की अपनी जान भी गंवाने पड़ी। तब से सभी डेवलपमेंट कंट्रीज में इस सिस्टम की इस्तेमाल पूरी तरह बैंड कर दिया गया और मिनरल ऑयल के स्थान पर पानी से तैयार की गई हाई प्रेशर स्टीम के इस्तेमाल को जरूरी कर दिया गया। लेकिन हमारे देश में अभी तक भी मिनरल तेल के इस्तेमाल पर बैंड नहीं लगा है। एपी ऑर्गेनिक कभी भी इस खतरनाक थर्मिक फ्लूइड सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया। प्लांट की शुरू से इस थर्मोसाइफोन सिस्टम को लगाया जिसमें पानी का गर्म करके हाई प्रेशर स्टीम तैयार की जाती है जिसका इस्तेमाल कॉयल की पाइप में किया जाता है जिससे रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल में किसी भी प्रकार की मिनरल ऑयल की कॉन्टेमिनेशन का कोई भी चांस नहीं बचता। इसलिए एपी ऑर्गेनिक धुरी बड़ी मात्रा में राइस ब्रैन ऑयल का एक्सपोर्ट विश्व की विकसित देश में कर पा रही है और इंडिया की रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल की हायर एक्सपोर्टर कंपनी है। कस्टमर की सेफ्टी इनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RCM हेल्थ गार्ड ऑयल में 1400 mg ओरिजिनल है पर 100 ग्राम में। एपी ऑर्गेनिक की राइस ब्रैन ऑयल विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा एपी ऑर्गेनिक को राइस ब्रैन ऑयल की गुणवत्ता के कारण बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड मिला। RCM हेल्थ गार्ड ऑयल खाने की और भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका क्वालिटी हाई है लेकिन प्राइस लो है जो सबके लिए पॉकेट परमिट करता है। इतने अच्छे क्वालिटी के कारण मैं RCM हेल्थ गार्ड ऑयल यूज करती हूँ अर्थात फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल यूज करती हूँ। दोस्तों कैसे लगा ये जानकारी? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नया जानकारी पाने के लिए। सब लोग सुस्त रहे, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली।